भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ रतनपुर स्थित मां महामाया के दरबार पहुंचे और मत्था टेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को 3 दिसंबर का इंतजार है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। किसानों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सरकार बनते ही नई दर पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। आज तो मां महामाया से आशीर्वाद लेने आया हूं कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि आए, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ सके, ऐसी आशीर्वाद और ऐसी कामना मां महामाया से की है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। अभी तक मंडियों में धान किसानों को प्रतीक्षा है कि 3 तारीख को कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए जो योजना बनाई है उस योजना का उन्हें लाभ मिले, इसलिए किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं कमल खिलने का। और निश्चित रूप से किसानों की प्रतीक्षा 3 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।